सुप्रीम कोर्ट रजिस्ट्री के बाहर पीपल्स पार्टी रहनुमाओं की मीडिया से गुफ्तगु। पीपल्स पार्टी वस्ती पंजाब के सदर कमर जमान कायरा ने JIT की रिपोर्ट को अलफ लैलवी दास्तान करार देते हुए कहा कि ये JIT की जकतरफा कहानी है, लेकिन मीडिया तासर दे रहा है कि जैसे हमारे खिलाफ फैसला आ गया। इससे पहले एहतसाबुर रहमान भी मलक कयूम की अदालतों में इस तरह की दास्तानें सुनाते रहे हैं। पिछले दो दिन से मीडिया में डिबेट हो रही थी, सोशल मीडिया में डिबेट हो रही थी, और हम गुजारिश कर रहे थे। हमारी अंडरस्टैंडिंग के मुताबिक तो ये है कि अदालत ने हुक्म दिया हुआ है कि जब तक अदालत का कोई फैसला नहीं हो जाता उस वक्त तक मीडिया के अंदर इस तरह की रिपोर्ट्स की डिस्कशन नहीं जानी चाहिए। कमर जमान कायरा का मजीद कहना था कि इदारों के साथ हमारा एक माजी है, हम अब उम्मीद करते हैं कि इस बार इदारे जानबदारी का मुजाहरा नहीं करेंगे। साबिक गवर्नर पंजाब लतीफ खोसा का कहना था कि हमारा इन कंपनियों की ट्रेल से कोई ताल्लुक नहीं, ये मुकदमा बिलाखर ट्रायल कोर्ट में जाएगा। इदारों की जानबदारी सबके सामने है, वजीर आजम खुद कह चुके हैं कि हम सब एक सफे पर हैं। अगर कोई कंपनीज हैं शेल तो उसमें हमारा कोई ताल्लुक नहीं। जो ट्रेल आज दिखा रहे थे ये यहाँ से ये कॉन्ट्रैक्टर्स के इस तरफ गए और ये जो है बहरिया के गए और ये फलाने के गए, ओ भाई गए, लेकिन उससे जरदारी ग्रुप का क्या ताल्लुक है। इस मौके पर सुप्रीम कोर्ट रजिस्ट्री के बाहर पीपल्स पार्टी के कारकुनों और रहनुमाओं की कसीर तादाद साबिक सदर आसफ अली जरदारी से इजहार यकजहती के लिए नारेबाजी करती रही। कैमरा टीम के साथ इखलाक अहमद बाजवा, लाहौर न्यूज़।